हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यस, आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ एंड मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ वो बताती हूँ, बिकॉज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। ऑल दो आज है फ्राइडे एंड डेट इज़ 14 और 15, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट या तो मुझे जाना है एक्चुअली एक किटी पार्टी में। इट इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस टू अ किटी पार्टी एंड मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। लाइक मुझे निकलना था यहाँ से 10:45 के और 11ish के बीच में एंड ऑलरेडी 10:45 हो रहा है। यू कैन सी मैं कुछ भी रेडी नहीं हूँ, बस अभी थोड़ा सा बालों को हल्का सा ड्राई आउट करके आई हूँ कि थोड़ा तो वो रहे मैनेजेबल। तो यस, जल्दी से मैं रेडी होती हूँ और आप लोगों को फिर मिलती हूँ। डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी जब मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा। गाइस चलिए चलते हैं जल्दी से किटी पार्टी में। ऑलराइट गाइस, सो मैंने बीच में कुछ शूट नहीं किया बिकॉज मैं घर से निकलने में बहुत लेट हो चुकी थी, बट यहाँ पे ना हमारी पार्टी चल रही है तो थोड़ा थोड़ा हो चुका है, बट स्टार्टर्स भी हो गए हैं। बीच में मैंने शूट ही नहीं किया, बट नाउ लुक एट दीज लेडीज हैविंग फन। भाभी एवरीबॉडी, हेलो, सो दिस इज आवर गैंग फॉर टुडे। और आज हम लोग फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। मेरा पहली बार है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। टेंशन में पुली हो रहा। यस, क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड रुकिए। दिस इज अ स्पेशल डिश फ्रॉम साउथ इंडियन। हां, साउथ इंडियन पुली वोरा। पुली वोरा, ओरा, ओरा, ओके, ओरा, पुली ओरा। अच्छा, मैं चेन्नई में 2 साल रही, मेरे को कभी खाने नहीं मिला, बट बहुत टेस्टी है सीरियसली। चलो जी, अभी ना हम सेकंड गेम जब खेलेंगे ना उसमें मैं वीडियो बनाती हूँ। फर्स्ट गेम में मैं भूल गई वीडियो बनाना, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था घर से, मैं भूल गई, इसलिए सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सेकंड गेम के साथ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे मैंने पहली बार देखा है। चलिए मिलती है थोड़ी देर बाद। ऑलराइट गाइस, सो हमारी पार्टी हो गई है यहाँ पे खत्म। मैंने बीच में अगेन कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज सब बहुत शोर कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे इसीलिए, बट अभी इट्स टाइम टू से गुड बाय। अभी आप सोच सकते हो कितना शोर हो रहा है ऑलरेडी। चलो गाइस, मैं आप लोगों को मिलूंगी अब घर पहुंच के, बिकॉज नीचे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगी तो जल्दी से मैं जाती हूँ घर, फिर आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में कि आज क्या हुआ। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ गई हूँ अभी वापस, और मैं वापस आने के बाद बस अभी चेंज करके बैठी हूँ। यू कैन सी कि मेकअप अभी इंटैक्ट है एंड अगर किसी को ये मेकअप लुक देखना है, कुछ आता है इसको डिकोड करना तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल पोस्ट दिस फॉर यू। बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ कंसीलर यूज़ किया है एंड लुक एट द फिनिश, बहुत नेचुरल फिनिश है, नो फाउंडेशन इज देयर, बट या एनी वे चलिए। हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस टू दैट, ओके, सो लेट मी टेल यू। जो मेरी एक रिलेटिव है जिनको आपने मेरे वीडियोज़ में कई बार देखा होगा, जिनके साथ मैं इंडिपेंडेंस डे पर भी बाहर गई थी एंड ऑल, तो वो उस किटी की मेम्बर हैं, तो उन्होंने ही इस बार किटी ऑर्गेनाइज़ की थी, तो शी वॉन्टेड मी टू कम टू हैव एक्सपीरियंस कि कैसा रहता है एंड ऑल। मैंने भी कभी किटी पार्टी नहीं देखी भी नहीं है, मैंने ज्वाइन करना तो छोड़ो, देखी भी नहीं थी मैंने कि क्या होता है, कैसे लेडीज़ मज़े करती हैं एंड ऑल। तो आई वाज लाइक ओके, आई कैन ट्राई दैट, तो इसलिए ही बस मैं गई थी एंड इट वाज फन। बहुत सारे उसमें थे मेंबर्स थे, लाइक 14-15 लेडीज़ वर देयर एंड वी ऑल हैड फन। वो तो आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा ही, ऑल दो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज सब इतना जल्दी जल्दी चल रहा था ना, वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, फिर लंच चल रहा है, फिर कभी कुछ और हो रहा है, तो ऐसे। यस गाइस, सो बीच में कॉल आ गया था इसलिए मैंने पॉज कर दिया था वीडियो, बट या सो इट वाज फन, काफ़ी मज़ा आया, बट हाँ शूट थोड़ा ही पार्ट में कर पाई, बट या सो एवरीबडी वाज लाइक कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, बट आई एम लाइक देखते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज यू नो साथ में इतनी सारी चीज़ें और भी चलती रहती हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता है, बट लेट्स सी। पर हाँ, आज के लिए इट वॉज फन, इट मेड माई डे, बहुत मज़ा आया मुझे सबके साथ, बहुत मज़ेदार लेडीज़ हैं सारे, फुल ऑन इन्जॉयमेंट चल रहा था वहाँ पे, तो या इट वॉज फन। सो अभी घर पे आ गए हैं एंड अभी तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज
इतना बारिश हो रही है ना, इतना इतना आने जाने में प्रॉब्लम हुआ, इसलिए स्टार्टिंग में भी ना मैं कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। इतना बारिश है, इतनी ज़्यादा बारिश है ना कि मैं क्या बताऊँ। पहले तो सब लोग आ ही नहीं पा रहे थे, फिर कोई लेट आया, कोई टाइम पे आया, ऐसे चलता रहा, मैं खुद भी लेट हो गई थी। तो या इसीलिए, बट यस, चले एंड में ना सब बढ़िया था, मज़ा आया। तो चलो, फिलहाल आज का प्लान कुछ और ऐसा नहीं है, बाकी देखते हैं दिन कैसे गुजरता है। अभी तो 3 बज गए हैं, या इट्स 3 PM इन द नून। तो यस, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में मैं आप लोगों से, अगर कुछ और करती हूँ तो, वरना ये व्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी कल तक के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी हो गया नेक्स्ट डे, आप देख सकते हो मैंने फेस मास्क लग यूज़ किया हुआ है। बाय द वे, इसके बारे में ना मैंने पोस्ट किया हुआ है, ये ग्रीन कॉफ़ी फेस मास्क है। बट यस, बट आज ना मैंने क्यों उठाया है, बिकॉज काफ़ी हफ्तों से मैं व्लॉग ही नहीं कर रही थी, और उससे पहले से भी ना कोई भी रेसिपी नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं है, बट बहुत टेस्टी है। सो आज जो रेसिपी हम करने वाले हैं ना, दैट इज़ जो अपना दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड है, दैट इज़ मटर कुलचे। तो आज हम बनाएंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल मटर। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमको चाहिए ये मटर, दिस इज़ कॉल्ड मटर। ये छोले नहीं होते हैं, ये मटर होती है, सफ़ेद मटर। इसको ना मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है। अब इसको मैं अपना मस्त 5-6 सीटी लगा दूंगी कुकर में, एंड उसके इसको बेसिकली अच्छे से बॉईल करना है, तो 5-6 सीटी लगेगा। उसके बाद हम इसमें आगे क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे ये एकदम यमी बनेगा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यस, अभी बस ये धो के शावर लेके थोड़ा बैठते हैं, और इसको रखती हूँ मैं गैस पे बॉईल होने के लिए। बॉईल होने के बाद के प्रोसेस के लिए मैं वापस से फिर कैमरा उठाऊँगी। तो यस, स्टे ट्यून गाइस। यहाँ पे गया ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर, एंड उसके बाद नमक। जैसे हम नॉर्मली अपनी कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं वैसे ही इसको भी करना है। सो गाइज, यहाँ पे ना मेरी ये मटर बॉईल हो चुकी है एकदम परफेक्ट तरीके से। इसको ना मैं अभी छान लेती हूँ, इसका पानी एक्सेस जो भी है वो हम निकाल देंगे। अब बारी है इसमें मसाले मिलाने की। तो यहाँ पे ना मैंने इसके में नमक तो ऑलरेडी डाला था जब मैंने बॉईल किया था, इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। मैं यहां डालूंगी काला नमक, फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा धनिया। ये मार्केट वाले बहुत डालते हैं, जो अपना मार्केट में देखते हैं ना उसमें। फिर अपना लाल मिर्च पाउडर, जितना स्पाइसी आपको खाना है आप उस हिसाब से कर सकते हो, एंड थोड़ा सा सॉफ्ट पाउडर, बहुत हल्का सा, जस्ट नाम के लिए कि हाँ वो भी है उसमें। एंड उसके बाद ना यहाँ पे मैं डालूंगी ये भुना हुआ जीरा, इससे भी एक अलग डिफरेंट फ्लेवर आता है एकदम बढ़िया। एंड देन उसके बाद नींबू। एंड बस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए गाइस, अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें प्याज, यहाँ कट रहे हैं टमाटर जो मैं नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं अपने में नहीं डालूंगी, मैं अपना पोर्शन निकाल के फिर हस्बैंड के उसमें डाल देंगे बस। बट चलिए, ये यहाँ पे रेडी है, अब इसको करते हैं टेस्ट, एंड आप लोग को बताते हैं कैसा है। इट टेस्ट गुड, अच्छा है, बट मेरे लिए
वैसे परफेक्ट है, बट मेरे को ना थोड़ा एक्स्ट्रा खट्टा पसंद है, तो इसमें थोड़ा सा नींबू मैं और डालने वाली हूँ, बट इट्स नाइस नाउ। एंड इसमें अगर आपके पास हो ना, आज मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास जो हम अपना धनिया पुदीने की चटनी पीसते हैं ना, हरी चटनी जो होती है, अगर वो हो ना आपके पास तो आप इसमें वो भी डाल दीजिए 2 टेबल स्पून। उफ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए, मेरी मटर रेडी है, नाउ इट्स टाइम फॉर कुलचे। ये मैं मार्केट से लेके आई मसाला कुलचाज, एंड इसको बस अब मैं सेक लूँगी यहाँ पे, एंड आई विल एंजॉय माय फीस्ट फॉर द डे। आप चाहें तो बटर में भी सेक सकते हो, मैं घी यूज़ कर रही हूँ। एंड ये क्या हमारा कुलचा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है वरना एकदम पिचक जाएगा, हल्का सा प्रेस करना है कि वो बस पूरा अच्छे से सिक जाए। देखिए क्या मस्त एकदम ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर आया है, मस्त दिख रहा है। एंड दिस इज डन। ऐसे मैं अपने बाकी के करके और आपको फाइनल प्लेटिंग के साथ मिलती हूं। चलिए गाइस, अब करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग में कुछ ज्यादा तोप नहीं है, करने को नॉर्मल बेसिक है। एंड यस, ऑल सेट फॉर लंच। यस गाइस, सो दैट्स द रेसिपी। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ उसमें आपको करने को है नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। बस हाँ, एक चीज़ है कि भाई जो मैंने बोला कि धनिया की चटनी अगर आपके पास होगी ना, तो वो एकदम इसमें और चार चांद लगा देगी। मेरे पास आज अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, इसलिए मैं नहीं डाल पाई, वरना उससे और मस्त फ्लेवर निकल के आता है। सो यस, तो या आई होप आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई हो गाइज। एंड मैं ये व्लॉग अब यहीं पर एंड कर रही हूँ, मैं इसको और लंबा नहीं खींच रही। तो या चलिए गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो रेसिपी व्लॉग मेरी किटी पार्टी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो यू नो द ड्रिल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। यू गाइस टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। चलो जी पति टेस्टिंग करो, टेस्ट किया नहीं, बहुत ही बेकार पहले है। हाँ तुम्हारे में तो टमाटर भी है, तो छोले नहीं मटर ही होती है, दोनों चीजें मिलती हैं, लेकिन जनरली मटर कुलचा होता है। बढ़िया, अच्छा सही है, पक्का सही सी बताओ। सही बता रहा हूँ। चलो हमारी चाय भी आ चुकी है गाइज, एंड नाउ इट्स माय टाइम टू टेस्ट द फूड। लेकिन मुझे खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज वो अपने खाने में बिजी है। सो यस, अच्छा है, सो यम गाइज, एकदम मार्केट टाइप टेस्ट आ रहा है जो अपना दिल्ली में मिलता है ना ठेलों पे, बिल्कुल वही फ्लेवर्स आ रहे हैं। चलिए मैं जल्दी से एंजॉय करती हूँ अपना लंच, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम।